नमस्कार, मैं रविश कुमार। मानहानि किसकी होती है, कैसे होती है और कितने की होती है, यह सब किस तराजू पर तोला जाता है, अब जान लेने में ही हम सबकी भलाई है। वित्त मंत्री जेटली की मानहानि 10 करोड़ की हुई है या 20 करोड़ की, इसका फैसला तराजू पर तौलकर होगा या हैसियत का भी कोई बैरोमीटर होता है, थर्मामीटर होता है, उससे होगा। सामान्य नागरिक की मानहानि की रकम कैसे तय होगी, हम सबको जानना चाहिए। और अपनी प्रतिष्ठा किसी धर्म कांटे पर तोलवाकर जहां ट्रक वाले सामान तौलते हैं वहां तोलवाकर रखनी चाहिए, ताकि हम तुरंत तुरंत दावा कर सकें कि कितने की मानहानि हुई है। एक मानहानि का सेंसेक्स भी हो सकता है अगर कोई काम ना हो देश में, तो जैसे हर बात में कोई काम ना हो तो मोबाइल ऐप बना देते हैं आजकल, वैसे ही सोचिए कि गुलजार वानी की कितनी मानहानि हुई होगी, जिसे 16 साल आतंक के आरोप में जेल में रहना पड़ा। गुलजार सभी आरोपों से बरी हो गए। 28 साल की उम्र रही होगी जब गुलजार को गिरफ्तार किया गया और अब 44-45 साल के हो ही गए होंगे। अदालतों को ऐसे मामलों में मानहानि और धनहानि का भी हिसाब करना चाहिए। 16 साल तक एक नौजवान के जेल में बंद होने से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ी होगी, इसका हिसाब कर लेते तो अच्छा रहता। गिरफ्तारी के वक्त गुलजार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, इस लिहाज से संभावना थी कि वो एक शिक्षक बन सकते थे। अभी अदालतों को ऐसा फैसला सुनाने की कोशिश करनी चाहिए कि गुलजार जैसे युवकों को आतंक के फर्जी आरोप में फंसाया गया, इनका जीवन बर्बाद हुआ, इसलिए 16 साल तक एक असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है उसके बराबर की रकम हर जाने के तौर पर दी जा सकती है। गुलजार ही नहीं, न जाने कितने रमेश, सुरेश, विमला, सरला होंगी जो इस तरह के अदालतों में ट्रायल वगैरह के और जांच वगैरह के नाम पर जेलों में उनकी जिंदगी सड़ जाती होगी। सिस्टम जब किसी की मानहानि करता है तो क्या होता है मालूम नहीं। मानहानि का केस करना और लंबे समय तक मुकदमा लड़ना सबके बस की बात नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 में आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया। ये मई 2017 है और केस चल ही रहा है। अभी पहले वाला सुलझा नहीं कि वित्त मंत्री ने एक और 10 करोड़ की मानहानि का दावा कर दिया है। जेटली ने जब यह मानहानि का मुकदमा किया था तब अकेले नहीं गए थे, उनके साथ कई मंत्री पटियाला कोर्ट गए। एक तरह से मानहानि के मुकदमे की यह सबसे शक्तिशाली तस्वीर थी, जिसमें आपको अलग अलग फ्रेम में वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, राज्यवर्धन राठौर, सांसद विजय गोयल, महेश गिरी, अमन सिन्हा, वीके मल्होत्रा, विजेंद्र गुप्ता और उस समय के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जैसे कई नेता दिखेंगे आपको, जिनके नाम छूट गए हैं उनसे मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूं, कोई दुर्भावना से नाम नहीं छूटा। लेकिन जो मुकदमा दायर करने गए ये लोग अदालत, उस रोज वित्त मंत्री ने आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेताओं के खिलाफ मुकदमा किया। वैसे वित्त मंत्री के खिलाफ सबसे पहले तो उनकी ही पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने तरह तरह के आरोप लगाए, मगर उनका नाम मानहानि के इस मुकदमे में नहीं आया। कीर्ति आजाद ने ट्वीट कर जनता से शिकायत भी की कि उनका नाम क्यों हटा दिया गया। वैसे कीर्ति आजाद के खिलाफ गौतम दत्ता ने मानहानि का केस किया हुआ है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया। इस मामले में केजरीवाल को 2 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। इंटरनेट के आर्काइव में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के 10 मुकदमों का उल्लेख मिलता है। आम आदमी पार्टी ने भी एक न्यूज चैनल और वेबसाइट के खिलाफ मानहानि किया। सितंबर 2016 में संजय सिंह और दुर्गेश पाठक ने अपने विधायक देवेंद्र सहरावत के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। इस साल इसी महीने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपनी ही पार्टी के निलंबित विधायक के कपिल मिश्रा, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके खिलाफ भी मानहानि कर दिया। हमने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मानहानि के मुकदमों की कुछ सूची बनाई है। 2017 में मतलब इसी साल छगन भुजबल ने सामाजिक कार्यकर्ता हैं अंजलि दमानिया, उनके खिलाफ मानहानि किया। 2015 में सुशील मोदी की पत्नी ने तब के स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के मानहानि के खिलाफ का केस कर दिया था, ऐसा जिक्र मिला। 2017 में तेज प्रताप यादव ने सुशील मोदी पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। 2017 में शिवसेना सांसद गायकवाड़ ने भी एयर इंडिया के खिलाफ मानहानि की धमकी दी है। 2015 में राहुल गांधी के खिलाफ भी मानहानि का केस हो गया। उन्होंने कहा था कि संघ ने गांधी की हत्या की थी, करवाई थी। राहुल गांधी के खिलाफ असम के बारपेट कोर्ट में भी मानहानि का मुकदमा चल रहा है। 2017 में ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। 2014 में जब कांग्रेस में थे अवतार सिंह भडाना, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। चेतन भगत के खिलाफ भी मानहानि का केस हो गया था, और डुमरावगंज कोठी जो भी होंगे, कर्नाटक के कांग्रेसी मंत्री रोशन बेग ने बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ मानहानि का केस किया। तो केरल के मुख्यमंत्री ने भी सोलर स्कैम के मुख्य आरोपी और 4 पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस किया है। स्मृति ईरानी ने संजय निरुपम के खिलाफ, अजीत जोगी ने बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मानहानि
राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ मानहानि, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ मानहानि का केस किया हुआ है। जयललिता जब मुख्यमंत्री थी तो पत्रकार, नौकरशाह, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ 200 से ज्यादा मानहानि के मुकदमे किए थे। हमने ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट से उठाई है, इसलिए नहीं बता सकते कि किस केस की अंतिम स्थिति है या मौजूदा स्थिति है या किसी ने वापस ले लिए हैं। अब तो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए नाना प्रकार के विरोधियों के खिलाफ अफवाहों का अभियान चलाया जाता है, उनका मानमर्दन होता है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो बदनाम करना, मानहानि करना एक राजनीतिक रणनीति भी है। इस काम को ट्रोल अंजाम देते हैं और अब कई खुलासों से यह पता चलता है कि ट्रोल को पैसा भी मिलता है। तो अगर आप फ्री में कर रहे हैं तो पैसा ले लीजिए। altnews.in पर ऐसे कई खुलासे मिलेंगे आपको। यह वेबसाइट है कि किस तरह से राजनीतिक निष्ठा और संगठन के आर्थिक समर्थन के दम पर कई वेबसाइट बनाए गए हैं जो खबरों के साथ साथ किसी को बदनाम करने के लिए आलतू फालतू अफवाह फैलाते रहते हैं। व्हाट्सएप की दुनिया तो इसके लिए बदनाम है ही, आपको नहीं पता होगा, मगर राजनीतिक दलों के लोग व्हाट्सएप के जरिए तरह तरह की बातें फैला रहे हैं जिन्हें आप सत्य मान लेते हैं और कई बार भीड़ बन जाते हैं और कई बार जान भी लेने चले जाते हैं कई जगहों पर। इसलिए मानहानि का केस करना अगर एक तरीका है तो मानहानि करने के लिए भी कई तरीके हैं आपके समाज में। मुख्यधारा की मीडिया भी यह काम जोर शोर से कर रहा है सरकारों को खुश करने के लिए। मानहानि का मुकदमा दो प्रकार का होता है, फौजदारी, दीवानी। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ जो है वो संवैधानिक है। तब राहुल गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी, अरविंद केजरीवाल अलग अलग याचिका लेकर गए थे कि इसकी संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए। हम आज के कार्यक्रम में समझने का प्रयास करेंगे कि मानहानि का केस फालतू का मुकदमा है या ऐसे कानून ना हो तो कोई किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा सकता है, कुछ भी उसकी मानहानि कर सकता है। यह प्रवृत्ति कैसे रुकेगी? क्या मानहानि के केस या कानून से रुक जाएगी? क्या मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश है? आप किसी को इसके जरिए डरा सकते हैं? दो तरह की मानहानियां क्यों हैं? तीन तरह की क्यों नहीं है? क्या इसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है मानहानि तोलने के लिए? तो वगैरह वगैरह हम इससे बात करेंगे। फैजान मुस्तफा साहब हैं, वीसी नलसर हैदराबाद से ही हमारे साथ हैं। गौतम भाटिया हैं, युवा वकील हैं और अपने ट्वीट के जरिए बहुत सारे कानूनी खबरों की जानकारी हम लोगों को देते रहते हैं। फैजान साहब, सरल सवाल से शुरू करते हैं, ये मानहानि क्या है और अगर आप जज होते तो कैसे तोल के बता देते कि मेरी मानहानि कितने की हुई या और साधारण आदमी की मानहानि कितने की हुई? रवीश, ये मानहानि कई सदियों पुराना एक लॉ है जिसमें व्यक्ति की रेपुटेशन जो है उसको उसकी प्रॉपर्टी माना गया और ये माना गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ लिखता है या बोलता है या कोई ऐसे जेस्चर्स करता है जिससे उस व्यक्ति का और लोगों की दृष्टि में कुछ कमी आ जाती है उसकी रेपुटेशन में या उसके स्टेटस में, तो फिर उसको उसके लिए कंपनसेट किया जाए। अच्छा, अब इसमें इंग्लैंड में दो तरीके की चीजें थी कि अगर आपने ओरल किया है तो उसको स्लेंडर कहते थे और अगर कहीं लिख दिया आपने परमानेंट डिफेमेशन कर दिया तो उसे लायबल कहते थे। भारत ने ये डिस्टिंक्शन नहीं माना और हमारे यहां दोनों तरह के जो लायबल और स्लेंडर हैं उन्हें डिफेमेशन कहा गया। अब इसका कोई पैमाना नहीं है लेकिन आम तौर से जो जजेस हैं वो ये देखते हैं कि आपका समाज में स्टेटस क्या है। अब आप देखिए कि जस्टिस पीबी सावंत ने टाइम्स नाउ के ऊपर एक केस किया जिसमें कोई स्कैम की न्यूज थी, उसमें उनका फोटो दिखा दिया और 100 करोड़ उन्होंने डिफेमेशन में जीते और उसके बाद जब टाइम्स नाउ अपील में गए तो उनसे कहा गया कि पहले 20 करोड़ जमा करो, उसके बाद बात बनेगी आगे। तो ये डिफेमेशन का लॉ जो है पुराना है लेकिन अब हमारे देश में 1950 से जब संविधान आ गया और संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया तो काफी जो संविधानविद हैं उनका विचार है कि किसी की मानहानि हो ये एक प्राइवेट मैटर है, इसके लिए क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल करना सही नहीं है क्योंकि प्राइवेट मैटर को प्राइवेटली डिसाइड करें, सिविल लॉ में डिसाइड करें, वो कंपनसेशन ले लेगा, मुआवजा ले लेगा, लेकिन ये के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें सिर्फ उसी मैटर को देखा जाए जिससे पूरे समाज को हानि होती है तो चंद व्यक्तियों की जी, आप जो रेपुटेशन है चंद व्यक्तियों की रेपुटेशन को पब्लिक लॉ को
प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए उसकी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बात आप क्यों कह रहे हैं ये भी बताइए। अभी आपने शुरू में कहा कि व्यक्ति को की जो रेपुटेशन है उसकी प्रतिष्ठा को प्रॉपर्टी माना गया है ना, तो उसकी रजिस्ट्री भी होनी चाहिए। हाँ, कोई तो जज कैसे जानता है कि तो आपकी या हमारी, वो क्या सबूत दिया जाता है आपकी या हमारी क्या रेपुटेशन है, क्या कमाई रेपुटेशन है, वो किस तरह से उसका रेपुटेशन तय होता है? क्योंकि हो सकता है कि कोई अभिनेता हो, वो 100 करोड़ का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, उसे नहीं मिल रहा, तो वहां तो हम नुकसान शायद माप सकते हैं, लेकिन एक साधारण आदमी है जिसको फेसबुक पे सोशल मीडिया पे उसको बदनाम कर दिया गया, उसकी मानहानि हम कैसे मापेंगे फिर? नहीं, वो सबसे पहले वो अपने आप खुद तय करता है। जैसे जेटली जी ने ये तय किया कि केजरीवाल साहब से वो 10 करोड़ का केस कर दिया उनके ऊपर, तो अब जो है वो अदालत ये देखेगी कि जेटली जी इतने बड़े लॉयर हैं, देश के वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने जो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, अभी जेठमलानी जी ने उनको क्रूक कह दिया, तो उसके बाद 10 करोड़ का और कर दिया, तो हो सकता है उनको 10-12 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ का कुछ कोर्ट तय कर दे, क्योंकि जेठमलानी जी ये आर्गू कर रहे हैं कि इनकी कोई रेपुटेशन नहीं है। तो अच्छा, ये अदालत का एक सब्जेक्टिव जजमेंट होगा, ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के आपका समाज में क्या स्थान है। पर सिद्धार्थ, तो रवीश, आप अगर डिफेमेशन का केस करेंगे तो आपको ज्यादा डैमेजेस मिलेंगे, और मैं करूंगा तो मुझे कम मिलेंगे। हाँ, बहुतों ने अफवाह फैलाई हुई है, उनका रिकॉर्ड मैं तैयार रखता हूँ। गौतम है हमारे साथ। गौतम, मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूँ, पर क्या ये एक पॉलिटिकल टूल ज्यादा बन गया है क्या आजकल? आजकल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हो सकता है कि हम पिछले 10 सालों के बारे में ना जानते हों, लेकिन अभी जितना मैंने कलेक्ट किया है उससे लग रहा है कि ये एक हथियार सा बनता जा रहा है। और दूसरा कि ये क्या ये अदालतों में, मतलब एक समय की बर्बादी लगती है कि एक वकील कह रहा है कि वित्त मंत्री का कोई स्टेटस नहीं है, है ना, वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री खुद खड़ा होकर कह रहे हैं कि मेरा इतना स्टेटस है, इससे हम हासिल क्या कर रहे हैं फिर? ये मुझे लगता है कि बिल्कुल आजकल ये एक औजार जैसा बन गया है नेताओं के पास, और वो इसलिए है क्योंकि मुकदमा दर्ज करना बहुत आसान है। मुकदमा लगा दिया मैंने और फिर न्यायालय ने नोटिस दे दिया दूसरी पार्टी को, और फिर आता रहे वो न्यायालय, तारीख पे तारीख लगेगी, हर तारीख में कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत एक आसान तरीका है जिससे आप तंग कर सकते हैं लोगों को, समय बर्बाद कर सकते हैं, और ये जो 10 करोड़ 20 करोड़ की फिर रकम मांगते हैं आपको भी लगता है कि तंग करने का ज्यादा औजार है? पत्रकारों को भी तंग करने का औजार है और नेताओं को भी, क्योंकि एक बार मुकदमा लग गया फिर तो आना पड़ता है, वकीलों को लगाना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, और दीवानी जो अपराध है वो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर फौजदारी या क्रिमिनल अपराध दर्ज कर दिया तो फिर जेल का खतरा है, बेल देना पड़ता है, हर बार हर तारीख पे मुकदमे में आने पड़ता है काफी लोगों को, तो उससे और भी तंग होते हैं लोग। तो मैंने आपकी बातों से मैं सोच रहा था कि मैं लोगों को जागरूक करूंगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मानहानि करें, पर आपको लगता है कि इसमें खर्चे का एंगल वो ध्यान में रखें, वो है ना, ये बात है कि अंत में जो फैसला होता है केस का, वो चाहे अब अदालत फैसला कर दे कि मानहानि हुई या नहीं हुई, वो तो 10 साल बाद फैसला होगा या 5 साल बाद फैसला होगा, लेकिन तब तक जो जाना पड़ेगा न्यायालय बार बार, उसी में जो होता है। और ये भूल गए हैं कि जिन आरोपों को लेकर ये सारा कुछ हुआ था, उन आरोपों की जांच हुई या नहीं हुई, वो कहीं पीछे छूट जाती है और उसमें रहते हैं। पर फैजान साहब, आप बता सकते हैं कोई एक ऐसा लैंडमार्क केस हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान मना हो तो दुनिया का, जिससे थोड़ा हम और स्पष्ट हो सके इस तरह की मानहानि बाजी को? हम सुनते हैं, हम जानते नहीं है कि अमेरिका और इंग्लैंड में इस तरह से वकीलों का एक गिरोह काम करता है, वो टीवी देख रहा होता है और पता चलेगा, वो फोन करेगा कि फैजान साहब ने आपके बारे में एक टिप्पणी की है, कोई डिफेमेशन कर दूं आप, और हम दोनों इसमें पार्टनर बन जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? कुछ आवाज में इसी सवाल का आप जवाब दे दीजिए, आवाज में दिक्कत हो गई। हाँ, नहीं तो अमेरिका और इंग्लैंड में, बल्कि आजकल न्यायालय और वहां के सांसद भी देख रहे हैं कि ये ज्यादा हो रहा है, उन्होंने भी कोशिश की है कि थोड़ा ये कम हो। अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर केस था न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस सलीवन करके, जहां पे उनके उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आप किसी सरकारी नौकर या किसी एक आदमी जिसको पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन में रहा है, अगर उसके प्रति अगर आपने कुछ कहा तो मानहानि तभी होगी
अगर वो सिद्ध कर पाए कि आपने आज झूठ बोला या बिना किसी परवाह के कि सच होया नहीं वो बोला, तो वो सिद्ध करना तो बहुत मुश्किल है। और उस केस के बाद जो 1960 में हुआ, पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस कभी कोई जीता नहीं है अमेरिका में, कोई जीता नहीं, जीता नहीं है, क्योंकि इतना उन्होंने मुश्किल कर दिया है मानहानि का केस जीतना कि पत्रकारों के लिए बहुत ही आजादी हो गई है। क्या भारत में पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस जीतना आसान है? भारत में एक केस है राजगोपाल करके 1994 में, जब उच्च न्यायालय ने इसी सलीवन केस के बारे में चर्चा की और कहा कि हम भी आज से वही जो है स्टैंडर्ड है उसी को अपनाएंगे। जैसे दो चार बता दें ताकि पत्रकारों को कुछ, अगर आपको ध्यान हो तो। हाँ। जैसे अगर मैंने आपके, अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जो सरकारी हैं या आप सार्वजनिक जीवन पब्लिक लाइफ में हैं, मैंने आपके खिलाफ कुछ कहा, तो अगर आपने मेरे फिर खिलाफ मानहानि का केस किया, दीवानी केस, तो आपको न्यायालय में सिद्ध करना पड़ेगा कि ना केवल जो मैंने कहा वो गलत है, बल्कि मैंने जानबूझ के गलत कहा या बिना किसी परवाह के कहा कि गलत हो या सही हो, तभी आप जीत पाएंगे। तो ये काफी अच्छा किया हमारे न्यायालय ने 1994 में, लेकिन ये पत्रकारों को मालूम नहीं है, काफी पत्रकारों को, और जो उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट है, कभी कभी लोअर कोर्ट है, उनको भी उतना मालूम नहीं है, तो ये केस ये कहता है, तो वो थोड़ी दिक्कत है। पर फिर भी जिस तरह से पॉलिटिकल मानहानि का केस है, मुझे तो लगता है कि आधे नेता तो भूल ही गए हैं। ज्यादा चर्चा शायद वित्त मंत्री जेटली और जेठमलानी, दो वकीलों की अपनी एक हैसियत और प्रतिष्ठा रही है, वकालत वाली रही है, तो वहां लोग वैसे भी बहस सुनने जाते होंगे, दोनों के बीच में जिरहबाजी किस तरह से हो रही है, कानूनी विद्वता का कितना प्रदर्शन हो रहा है, ये भी ज्यादा होता होगा। जिस तरह की भाषा अखबारों में रिपोर्ट पढ़ के लग रहा है कि केस से मतलब कम है और अंग्रेजी और उसमें भी बोली जाने वाली तरह तरह की बातों से ज्यादा मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि केस का नतीजा जो है वो सब लोग भूल गए हैं, और असल में जो केजरीवाल जी ने कहा वो या तो सच है या गलत, या अगर टिप्पणी दी वो टिप्पणी समुचित थी या ज्यादा थी, ऐसी चीजों का फैसला होना होता है न्यायालय में मानहानि के मामले में, वो कोई आजकल बात नहीं कर रहा। हम कोशिश कर रहे हैं, फैजान साहब का लिंक थोड़ा सा वो मौसम शायद उसकी वजह से हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कई बार कहते हैं कि आप डेफेमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, दो चीजें हैं, एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक तरफ हर व्यक्ति का अधिकार समाज में अपना मान अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे। तो मानहानि का कानून है वो इन दो चीजों के बीच में संतुलन रखने की का प्रयत्न करता है। तो सवाल यह है कि जो कानून जैसा हमारा आज है वो यह संतुलन बनाए रख पाता है या नहीं, आपकी नजर में है हमारे कानून में उतना संतुलन है? अब मेरा मानना है कि अगर फौजदारी अपराध जो है वो संतुलन नहीं रख पाता है, जैसे फैजान जी ने कहा जो फौजदारी अपराध है वो समाज के खिलाफ जो अपराध है वैसे अपराध होते हैं, जैसे मान लो डकैती की या समाज की शांति भंग की या कत्ल किया, तो वो एक व्यक्ति के खिलाफ केवल नहीं है लेकिन पूरे समाज में, समाज को चिंता है उन अपराधों के बारे में। लेकिन जो मानहानि है वो सिर्फ दो आदमियों के बीच में है, कुछ कह दिया, कुछ छाप दिया, तो वो हम इस पे और बात, फैजान साहब का शायद लिंक मिल गया है। एक तो हम दुनिया के बारे में बात कर रहे थे तो गौतम भाटिया ने एक हिंदुस्तान में 1994 के एक फैसले का जिक्र किया और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का बनाम किसी और का जिक्र किया। आप अगर उस सवाल के जवाब में कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें, और जब आपका लिंक टूट गया था तो मैं इस एक सवाल और पूछ ही लेता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसको अंकुश करने के लिए एक तरह का हथियार है कि मान लीजिए जेटली साहब के पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, या किसी संस्था के पास वकीलों का गिरोह है या संगठन है, बहुत सारा जगह गिरोह भी हो जाता है कई बार, वो तरह तरह के डेफेमेशन डाल के आपको परेशान करता है, तो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो डराता है एक तरह से। रवीश, दो बातें हम कहेंगे। एक तो ये कि 1990 में आसाम के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार मोहंता एक केस जीते थे इलस्ट्रेटेड वीकली के खिलाफ। इलस्ट्रेटेड वीकली ने लिख दिया था कि उन्होंने कुछ गुंडों का इस्तेमाल किया और करप्शन किया, तो 5 लाख रुपए उनको मिला था मुआवजा। दूसरे, जो अभिव्यक्ति का अधिकार है ये सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है, तो डिफेमेशन का लॉ जो है ये डेफिनेटली उस पर चिलिंग इफेक्ट है, उसको मुतासिर करता है। और ये जरा दुख की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने
जो क्रिमिनल डिफेमेशन था 499 वाला इंडियन पीनल कोड का, उसको संवैधानिक करार दिया। मेरा विचार यह है कि क्योंकि संविधान का 145 अनुच्छेद में लिखा है कि किसी भी मुद्दे पे जिसमें संविधान की विवेचना की जरूरत हो उसको 5 जजेस से कम जजेस ना देखें, तो ये डिफेमेशन का मामला, जिसमें डिफेमेशन का मतलब क्या है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में ये क्लियर नहीं है कि ये सिविल डिफेमेशन है या क्रिमिनल डिफेमेशन है। बी आर अंबेडकर का ये ख्याल था कि क्रिमिनल डिफेमेशन अभिव्यक्ति के अधिकार को पे अंकुश लगाता है। तो मैं ये समझता हूं कि शायद हमें जरूरत है कि हम अपने सिविल सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। रवीश, ये बड़े अफसोस की बात है कि हर चीज पे हम क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हमने कहा कि शराब पे पाबंदी लगाएंगे, उसे क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। बीफ को खाने पे हमने क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। तो ये जो क्रिमिनल लॉ का एक्सेसिव इस्तेमाल है, अत्यधिक इस्तेमाल, ये देश के लीगल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। फैजान साहब, एक सेकंड में यहाँ रोकना चाहूंगा। अभी गौतम भी यही बात कर रहे थे, सामान्य दर्शकों के लिए और मेरे लिए भी ये जानना जरूरी है कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। मतलब हम कैसे समझे, आप ये कह रहे हैं कि यार डेफिमेशन हो या ये कानून हो, इनको क्रिमिनल लॉ नहीं बनाना चाहिए, इनको दूसरी तरह की सजा का प्रावधान होना चाहिए, ये कहने के पीछे मकसद क्या है आपका? मकसद ये है कि क्रिमिनल क्राइम की डेफिनेशन क्या है। क्राइम की परिभाषा ये है कि वो कोई इतनी बड़ी चीज है जो पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, अब आप अगर मानहानि का लॉ देखें तो इसमें समाज के चंद व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को ठेस लग रही है, पूरे समाज को कोई उसमें ठेस नहीं लग रही। तो उन चंद व्यक्तियों की प्रतिष्ठा जो है वो सिविल लॉ पूरी तरह उनको संरक्षण दे सकता है, वो मुआवजा ले सकते हैं। सिविल लॉ रहेगा, डिफेमेशन रहेगा, बात सिर्फ ये हो रही है कि लोगों को मानहानि के मामले में जेल ना हो, उनके ऊपर फाइन ना लगे। दोनों बात है, ये आप दोनों से चाहता हूं कि जेल नहीं हुआ, ठीक है, जेल की सजा नहीं हुई, लेकिन अगर आप किसी पे 10 करोड़ डाल दें और वो दे ना पाए, है ना, तो वो भी जेल के बराबर ही तो सजा है। तो आखिर हम जब डेफेमेशन को, या आपने डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया, उनके हिसाब से अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी पे अंकुश मानते हैं, तो ये 10 करोड़ का औजार भी उतना ही घातक है जितना वो जेल है। और दूसरी बात है कि क्या किसी मीडिया हाउस या व्हाट्सएप या फर्जी वेबसाइट, इन सबको ये अनुमति मिलनी चाहिए कि आपके या किसी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाकर लगातार आपकी प्रतिष्ठा नष्ट की जाती रहे? नहीं, नहीं मिलनी चाहिए। हमें अपने सिविल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। रवीश, ऐसा है कि देखिए, भोपाल की इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, उसमें हमने अमेरिका में जाके केस करा और हमने ये कहा कि भारत में जो टॉर्ट लॉ है, सिविल लॉ है, वो डेवलप नहीं है, और अमेरिका की अदालत ने कहा नहीं नहीं आप अपने देश में जाइए और अपने देश में केस कीजिए। देखिए, जो सिविल लॉ है उसको मजबूत करने की जरूरत है। अगर हमारी सिविल कोर्ट अच्छा काम नहीं कर रही, इसका मतलब यह नहीं कि हम सिविल मैटर्स को क्रिमिनल मैटर्स बना दें। एक हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन इसी सवाल पे मैं थोड़ा गौतम से भी बात करूंगा। छोटा सा एक ब्रेक लेके हम आ रहे हैं अभी। मानहानि, जो जहां पर हम बात हो रहे थे वहां पर आप टिप्पणी कीजिए। पर मेरा एक सवाल, जो शुरू में जो गुलजार वानी का मैंने उदाहरण दिया कि सिस्टम ने उसे 16 साल तक सड़ा दिया, हा? और ये सिर्फ गुलजार वानी तक सीमित नहीं है, हजारों, पता नहीं गिन दे तो लाखों लोग इस तरह से ट्रायल के दौरान ही कितने महीने जेल में सड़ जाते हैं एक तरह से। तो क्या इन लोगों का कोई मानहानि नहीं है क्या? मानहानि तो बिल्कुल है। अब जो समय गया जेल में वो कोई लौटा सकता तो है नहीं, लेकिन कम से कम कुछ रकम तो मिलनी चाहिए। अब देखो, आप अगर अमेरिका में देखो तो अगर आपको गलत इल्जाम पे सजाए मौत मिली और फिर बाद में आपको रिहा किया गया तो $100,000 कॉम्पेंसेशन मिल सकता है आपको। अच्छा, वहां तय है कि इतना मिल सकता है। हाँ। अच्छा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ भारत में अभी कुछ ही पिछले साल जो अक्षरधाम में जो 11 साल तक जेल में बिताए, फिर उनको रिहा किया गया, तो उन्होंने कुछ रकम मांगी कि जो 11 साल मेरे गए हैं कुछ तो दीजिए मुझे सरकार से, तो वो मांग की खारिज कर दी गई उच्च न्यायालय
ने दीपक मिश्रा जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि इससे आगे चलने वाले मामलों में खराब उदाहरण बनेगा, इसलिए उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। तो 11 साल गए फिर कुछ मिला भी नहीं, तो ये तो ये बड़े लोगों का है, जैसे फैजान साहब कह रहे थे कि समाज के चंद व्यक्तियों की प्रतिष्ठा का। लेकिन मेरा वही सवाल था कि अगर आप किसी का लगातार आप उसकी उसके खिलाफ स्लैंडर या लाइबल कैंपेन कर रहे हैं, ये तो होता ही है ना, ये इसका फायदा मीडिया भी उठाता है, इसका फायदा दूसरे संगठन भी उठाते हैं, तो क्यों ना एक मुकम्मल व्यवस्था हो या ना हो। क्या ऐसे देश भी हैं जो अपने यहाँ डेफेमेशन के कानून नहीं रखते, वो मानते हैं कि किसी की बदनामी नहीं होती है? ऐसा तो मेरी जानकारी में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे मानहानि का कानून हो ही नहीं। अब इंग्लैंड में तो उन्होंने जो फौजदारी कानून है उन्होंने हटा दिया 3-4 साल पहले, उसी की बात है क्योंकि इंग्लैंड ने ही हमें दिया फौजदारी कानून मानहानि का, उन्होंने खुद हटा दिया 3-4 साल पहले। अच्छा, मतलब जेल वेल नहीं होगी, हटा दिया, जेल नहीं होगी। और ये भी उसी की बात है कि जो यूरोप का मानवाधिकार का सबसे उच्च न्यायालय है उन्होंने भी कहा है कि बहुत ज्यादा रकम अगर दी तो वो भी अभिव्यक्ति पर अंकुश का मामला है। वो पैसे को लेकर भी वो है कि कह दिया है कि ज्यादा रकम इतनी नहीं होनी चाहिए कि अभिव्यक्ति पर ही लगाम लगा दे, तो एक संतुलन मिलना चाहिए इन सब चीजों के बीच में। और जैसे फैजान जी ने कहा, उत्तर तो ये है कि हमारा सिविल लॉ जो है, दीवानी कानून जो है, हम ऐसे बनाएं कि फैसले जल्दी हों और रकम ऐसी हो कि संतुलन रहे अभिव्यक्ति एक तरफ और समाज, ना कि वो 100 करोड़ हो जाए और वो कमा हो जाए। पर फैजान साहब, एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि ये कहा जाता है कि आपने मेरे बारे में जो आरोप लगाया है वो सही नहीं है, है ना, एक तरह से जो सत्य की बात है। अब इसी के ग्राउंड पे ये जो ग्राउंड लिया जाता है कि आपने झूठे आरोप लगाए हैं तो इससे मेरी मानहानि हो गई है। रवीश, एक तो ये बताएं कि जो अभी आप वानी का केस ले रहे हैं, ये ऑलरेडी सिविल लॉ में एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी अगर आपने झूठा किसी पे मुकदमा किया है तो वो डैमेजेस ले सकते हैं। और गौतम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अक्षयधाम के केस में कंपनसेशन मिलना चाहिए था। दूसरे, ये जो आप व्हाट्सएप और ये सब इंटरनेट की बात कर रहे हैं, देखिए कोरिया में एक केस हुआ था, डॉग शिट गर्ल के नाम से मशहूर हो गया। अच्छा, कि एक कोरियन लड़की जो थी वो मेट्रो में सफर कर रही थी अपने डॉग के साथ, और उसके डॉग ने वहां कंपार्टमेंट में जो है वो शिट किया, तो उसके जो और पैसेंजर्स थे उन्होंने कहा इसे साफ करो, उसको साफ ना करके उसने अपने डॉग को साफ किया और नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गई। उसका किसी ने मोबाइल से फोटो खींच लिया और गूगल पे डाल दिया, और इतना लोगों ने उस लड़की को बुरा भला कहा, उसको स्कूल से निकाल दिया गया और वो इतने डिप्रेशन में चली गई कि उसने आत्महत्या तक की कोशिश की। तो जो आज इंटरनेट पे डिफेमेशन हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, मैं आपसे एग्री करता हूं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बात यह हो रही है कि क्या वो क्रिमिनल व्यवस्था हो। अमेरिका की 50 राज्यों में से 33 राज्यों में क्रिमिनल नहीं है डिफेमेशन, सिर्फ 17 में है। और विश्व के बहुत से देश ऐसे हैं, कम से कम 14 देश मैं जानता हूं जिन्होंने इसको खत्म कर दिया। और हमको उन देशों की तरफ देखना चाहिए जो सिविलाइज देश है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो डिफेमेशन का लॉ है, ये बहुसंख्यक व्यू जो है वो अल्पसंख्यक पे जो है थोप रहा है। एक कोई डिसेंटर है वो कुछ कह रहा है तो उसको सुना ना जाए, ये बात नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये डिमांड करती है कि जनतांत्रिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, मीडिया भी ऐसी बातें ना कहे जो झूठ हो या जिसकी कोई बुनियाद ना हो, लेकिन कानून में हमारे सच जो है वो मुकम्मल डिफेंस होना चाहिए। अब हमारे लॉ में यह है कि सच के साथ साथ ये भी साबित करो कि वो सच जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये मैं समझता हूं गैर जरूरी है। पब्लिक इंटरेस्ट का रेस्ट्रिक्शन वहां से हटा देनी चाहिए। अगर मीडिया के किसी आदमी ने सच लिखा है वो इनफ है। और ये जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं रवीश, ये मीडिया वालों को परेशान करते हैं डिफेमेशन के थ्रू, और ये जरूरी है कि ये रिच लोग बड़ी दूर दूर गुवाहाटी में आपके ऊपर केस कर देंगे, सिलचर में कर देंगे, अरुणाचल में कर देंगे। तो ये जो ये इस क्रिमिनल प्रोसीजर का मिसयूज हो रहा है उसको खत्म करने के लिए बेहतर ये होगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस पे पुनर्विचार करे और एक संविधान बेंच इस पे बने 5 जजेस की, और इस पे दोबारा से एक बार बहस हो सुप्रीम कोर्ट में।
आप ये चाहते हैं कि बहस हो, लेकिन फिर भी आपने जो कोरिया का उदाहरण दिया या मीडिया का, अब सब तरह के बंदिशों के बावजूद भी तो कोई रुकता नहीं है ना। अब आपकी एक बात से ये एक बात है, और लोग जानना चाहेंगे क्या सिस्टम हो। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कोई सिलचर में केस कर दिया, कोई गुवाहाटी में कर दिया, कोई आपको अहमदाबाद में फंसा दिया, तो क्या होना चाहिए इसका वैकल्पिक सिस्टम, क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक अभी एक राजनीतिक दलों के जो गिरोह हैं वकील, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, वो आपको केस डाल डाल के, तरह तरह की बातें डाल के नोटिस भिजवाते रहते हैं, तो क्या होना चाहिए? ये सब चीजों को साबित करने में सर कई साल लग जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ की जो तलवार है वो लोगों पे से हट जाए। अगर सिविल लॉ सिर्फ रहेगा, उससे लोगों की प्रतिष्ठा का पूरा पूरा संरक्षण हो जाएगा, उससे हो जाएगा, तो क्रिमिनल लॉ ना इसमें इस्तेमाल हो। गौतम, उसी की बात ये भी है कि पिछले महीने हाँ। जो कीनिया का न्यायालय है हाँ। उसी ने कहा कि जो ये फौजदारी या क्रिमिनल है मानहानि हाँ। वो असंवैधानिक है हाँ। वो बहुत ज्यादा अंकुश लगाती है अभिव्यक्ति की आजादी पे, और उसे रद्द कर दिया गया। तो काफी अलग अलग न्यायालय भी ये कह रहे हैं, कीनिया में पिछले महीने ही हुआ ये, उन्होंने हमारे देश के भी कुछ फैसलों पे चर्चा की। अच्छा, केस में तो मैं सहमत हूँ फैजान जी से कि ये बात ये है बस कि जो फौजदारी या क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध है, उसे हटाना चाहिए। और इसका जो आप ऐतिहासिक कारण भी देखेंगे तो ये है कि इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में लोग आपस में तलवारबाजी करते थे अपने मान की रक्षा करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये एक ये कानून है। हाँ, जिसकी अब कोई जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस बात इतनी समझनी है कि ये जो पैसे जो तय हो रहे हैं 10 करोड़ 100 करोड़, ये भी कुछ ज्यादा है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है मानवाधिकार का, उसके भी इस फैसलों को हमें जानना चाहिए। कभी और कोशिश करेंगे वो फैसला क्या है डिटेल में आपको बताने के लिए, ताकि हमारी समझ का ये भी एक हिस्सा बने कि ये कुछ ज्यादा ना हो जाए कि देने की औकात 5 रुपए की और आप पे 100 करोड़ लगा दें इसलिए क्योंकि आपने कोई सवाल उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ब्रेक के बाद गमछे की कहानी। थैंक यू। सरकार बदलती है तो क्या क्या बदल जाता है? नेताओं के तेवर बदलते हैं, गाड़ियों के झंडे बदलते हैं, कई अफसरों की निष्ठाएं बदल जाती हैं, पत्रकारों की भी, साथ ही फैशन भी बदल जाता है। जैसे यूपी में ही योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यहां गमछे भी अब भगवा हो गए हैं, यहां तक कि अपराधी भी अब इस तरह के गमछों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे बनारस जाएं या कहीं भी जाएं तो लाल रंग का गमछा तो हर कोई पहले ओढ़ा करता था, आजकल थोड़ा विशेष रूप से इस पर नजर पड़ जा रही है कि कहीं इसके पीछे मकसद कुछ और तो नहीं। अजय सिंह हमारे सहयोगी हैं, उनकी ये लंबी रिपोर्ट देखिए। बनारस में चाय की दुकान पर आए इन युवकों की टोली पर गौर फरमाइए, हर किसी के गले में गमछा है, किसी ने गले में डाल रखा है तो किसी ने कंधे पर, और कुछ इसे सिर पर पगड़ी की तरह बांधे हुए हैं। गमछा पहनने का सबका स्टाइल अलग, लेकिन रंग सभी के गमछे का एक ही है, भगवा या केसरिया। पहली नजर में ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनाए संगठन हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों के वेश में दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सभी युवा बीजेपी से जरूर जुड़े हैं, लेकिन बीजेपी में भगवा गमछे का चलन इतना कभी नजर नहीं आया, लेकिन योगी सरकार के गठन के बाद ये चलन ज्यादा दिख रहा है। आज जो मार्केट में जो है, तमाम लोग योगी जी के मुख्यमंत्री बनने की वजह से, और एक फैशन का दौर चल गया है भगवा कलर, ये भगवा गमछा कोई सर पे बांध रहा है, कोई भगवा कंधे पे रख रहा है, कोई अनेक अनेक प्रकार से भगवा का प्रयोग हो रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री भगवाधारी हैं, इसलिए देखिए मैंने जो ले रखा है वो एक स्टॉल है, और आज के डेट में भगवा रंग जो है दिलों में समा गया, इसलिए लोग भगवा लेकर चल रहे हैं, इसलिए मैंने एक स्टॉल खरीदा है जिसे फैशन के तौर पे और भगवा के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजाइनर कपड़ों की इस दुकान में भी भगवा गमछे के फैशन का ट्रेंड दिखा। ये युवा जोड़ा अपने लिए भगवा रंग का ही स्टॉल देख रहा है। ये लड़की भगवा दुपट्टा पहनकर खुद को निहार रही है, और अंत में उन्होंने भगवा दुपट्टे और स्टॉल ही खरीदे। दुकानदार ने बताया कि भगवा इन दिनों फैशन में है,
योगी सरकार आने के बाद सबको यही चाहिए। गर्मी का समय है और गमछे का मौका है, और गमछे के मौके में शुरू से ब्लैक और व्हाइट का चलन रहा है, लेकिन बनारस में पहली बार ऐसा हुआ है कि योगी जी के आने के बाद ऑरेंज गमछे की धूम मची पड़ी है। और ऑरेंज गमछे की तो छोड़िए, लड़कियां भी ऑरेंज गमछा ही खरीद रही है और केसरिया में रंग रही है अपने आप को। सड़क पर भी ये फैशन साफ नजर आ रहा है। सड़क पर चलने वाले कितने ही लोग भगवा गमछा पहने दिख रहे हैं। हाल ये है कि रिक्शे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टेम्पो वाला और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाने वाले यादव बिरादरी के कई लोग भी सिर पर भगवा गमछा बांधकर गाय भैंस धो रहे हैं। ये चलन अचानक ऐसा बढ़ा है कि बाजार में इस रंग के गमछे कम पड़ गए हैं। केसरिया गमछा आज के समय में मार्केट में बहुत ही तेजी से डिमांड बना हुआ है केसरिया गमछे का। दुकानदार जो है एकदम परेशान है कि केसरिया गमछा मिल नहीं रहा है मार्केट में, और होलसेलर भी परेशान है, केसरिया गमछा बन नहीं पा रहा है। जितना स्टॉक पड़ा हुआ था पहले से दुकानदारों के पास वो भी समाप्त हो गया है, और जो गमछा पहले 60 से 70 रुपए में मिलते थे आज वो गमछा 100 से ऊपर लोग बेच रहे हैं, 100 रुपए के ऊपर जो है, मतलब इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है केसरिया गमछा की जो है। यूपी में गमछे का मुख्य कारोबार कानपुर से होता है और ये गमछे मऊ, खैराबाद, फैजाबाद, जलालपुर, मालीपुर और इटावा में बनते हैं और कानपुर के बाजार के जरिए राज्य के बड़े इलाके में सप्लाई होते हैं। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद मांग इतनी बढ़ी कि राजस्थान के नागौर और चेन्नई के इरोड से भी भगवा गमछों को बड़े पैमाने पर मंगवाया जा रहा है। जब कोई चीज फैशन में इतनी आ जाएगी तो अपराधी भी पीछे कहां रहेंगे। कई अपराधियों ने पिछले कुछ दिनों में भगवा गमछे को अपनी ढाल बनाने की कोशिश की है। हाल ही में बनारस में एक जेवरात की दुकान में लूट की वारदात हुई, वहां अपराधी इसी रंग के गमछे में आए। राह चलते छीना झपटी की कुछ घटनाओं में भी भगवा गमछा पहने अपराधी सक्रिय नजर आए। पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है। देखिए अभी इस तरह की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई, इससे पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती रही। बनारस पुलिस ने इस तरह के किसी भी प्रकरण को सक्रियता से लेते हुए ऐसे केसेस का खुलासा किया है। एकाध ही कोई ऐसा केस पेंडिंग होगा जिसका पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है जिसमें इस तरह का गमछा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन गमछे का इस्तेमाल कानून के इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी तरीके से बाधक नहीं है, और किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो किसी भी तरह की वेशभूषा को वो अख्तियार करता है, लेकिन अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो भगवा गमछा इन दिनों फैशन में है, लेकिन इसका इतिहास भी कम पुराना नहीं। शायद शरीर ढकने के लिए कपड़े की शुरुआत गमछे जैसे ही कपड़े के छोटे टुकड़े से हुई हो जो बाद में धोती में बदल गया हो। देश के अलग अलग इलाकों में गमछों की अलग अलग पहचान रही है। असम में गमछे का स्टाइल अलग तो बंगाल का उससे जुदा। दक्षिण भारत में भी गमछे की अपनी अलग पहचान है। इनमें पहले सफेद गमछा, छींटदार गमछा, काला लाल गमछा चलन में ज्यादा था, लेकिन अब अचानक से भगवा गमछे ने इन सब को पीछे छोड़ दिया है। बाजार पर योगी इफेक्ट साफ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके जैकेट के स्टाइल पूरे देश में पॉपुलर हो गई। अब उत्तर प्रदेश में भगवा पहनने वाले योगी मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा भगवा गमछे का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। इस ट्रेंड को देखकर बीजेपी के लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये उनके मुसीबत का सबब भी बन सकती है, क्योंकि अपराधियों को भी भगवा का ये ट्रेंड पसंद आने लगा है। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं रविश कुमार। मानहानि किसकी होती है, कैसे होती है और कितने की होती है, यह सब किस तराजू पर तोला जाता है, अब जान लेने में ही हम सबकी भलाई है। वित्त मंत्री जेटली की मानहानि 10 करोड़ की हुई है या 20 करोड़ की, इसका फैसला तराजू पर तौलकर होगा या हैसियत का भी कोई बैरोमीटर होता है, थर्मामीटर होता है, उससे होगा। सामान्य नागरिक की मानहानि की रकम कैसे तय होगी, हम सबको जानना चाहिए। और अपनी प्रतिष्ठा किसी धर्म कांटे पर तोलवाकर जहां ट्रक वाले सामान तोलते हैं वहां तोलवाकर रखनी चाहिए, ताकि हम तुरंत तुरंत दावा कर सकें कि कितने की मानहानि हुई है। एक मानहानि का सेंसेक्स भी हो सकता है अगर कोई काम ना हो देश में, तो जैसे हर बात में कोई काम ना हो तो मोबाइल ऐप बना देते हैं आजकल, वैसे ही सोचिए कि गुलजार वानी की कितनी मानहानि हुई होगी जिसे 16 साल आतंक के आरोप में जेल में रहना पड़ा। गुलजार सभी आरोपी से
बरी हो गए। 28 साल की उम्र रही होगी जब गुलजार को गिरफ्तार किया गया और अब 44-45 साल के हो ही गए होंगे। अदालतों को ऐसे मामलों में मानहानि और धनहानि का भी हिसाब करना चाहिए। 16 साल तक एक नौजवान के जेल में बंद होने से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ी होगी, इसका हिसाब कर लेते तो अच्छा रहता। गिरफ्तारी के वक्त गुलजार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, इस लिहाज से संभावना थी कि वो एक शिक्षक बन सकते थे। अभी अदालतों को ऐसा फैसला सुनाने की कोशिश करनी चाहिए कि गुलजार जैसे युवकों को आतंक के फर्जी आरोप में फंसाया गया, इनका जीवन बर्बाद हुआ, इसलिए 16 साल तक एक असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है उसके बराबर की रकम हर जाने के तौर पर दी जा सकती है। गुलजार ही नहीं, न जाने कितने रमेश, सुरेश, विमला, सरला होंगी जो इस तरह के अदालतों में ट्रायल वगैरह के और जांच वगैरह के नाम पर जेलों में उनकी जिंदगी सड़ जाती होगी। सिस्टम जब किसी की मानहानि करता है तो क्या होता है मालूम नहीं। मानहानि का केस करना और लंबे समय तक मुकदमा लड़ना सबके बस की बात नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 में आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया। ये मई 2017 है और केस चल ही रहा है। अभी पहले वाला सुलझा नहीं कि वित्त मंत्री ने एक और 10 करोड़ की मानहानि का दावा कर दिया है। जेटली ने जब यह मानहानि का मुकदमा किया था तब अकेले नहीं गए थे, उनके साथ कई मंत्री पटियाला कोर्ट गए। एक तरह से मानहानि के मुकदमे की यह सबसे शक्तिशाली तस्वीर थी जिसमें आपको अलग अलग फ्रेम में वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, राज्यवर्धन राठौर, सांसद विजय गोयल, महेश गिरी, अमन सिन्हा, वीके मल्होत्रा, विजेंद्र गुप्ता और उस समय के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जैसे कई नेता दिखेंगे आपको, जिनके नाम छूट गए हैं उनसे मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूं, कोई दुर्भावना से नाम नहीं छूटा। लेकिन जो मुकदमा दायर करने गए ये लोग अदालत, उस रोज वित्त मंत्री ने आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेताओं के खिलाफ मुकदमा किया। वैसे वित्त मंत्री के खिलाफ सबसे पहले तो उनकी ही पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने तरह तरह के आरोप लगाए मगर उनका नाम मानहानि के इस मुकदमे में नहीं आया। कीर्ति आजाद ने ट्वीट कर जनता से शिकायत भी की कि उनका नाम क्यों हटा दिया गया। वैसे कीर्ति आजाद के खिलाफ गौतम दत्ता ने मानहानि का केस किया हुआ है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया। इस मामले में केजरीवाल को 2 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। इंटरनेट के आर्काइव में केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के 10 मुकदमों का उल्लेख मिलता है। आम आदमी पार्टी ने भी एक न्यूज चैनल और वेबसाइट के खिलाफ मानहानि किया। सितंबर 2016 में संजय सिंह और दुर्गेश पाठक ने अपने विधायक देवेंद्र सहरावत के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। इस साल इसी महीने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपनी ही पार्टी के निलंबित विधायक के कपिल मिश्रा, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके खिलाफ भी मानहानि कर दिया। हमने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मानहानि के मुकदमों की कुछ सूची बनाई है। 2017 में मतलब इसी साल छगन भुजबल ने सामाजिक कार्यकर्ता हैं अंजलि दमानिया, उनके खिलाफ मानहानि किया। 2015 में सुशील मोदी की पत्नी ने तब के स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के मानहानि के खिलाफ का केस कर दिया था, ऐसा जिक्र मिला। 2017 में तेज प्रताप यादव ने सुशील मोदी पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। 2017 में शिवसेना सांसद गायकवाड़ ने भी एयर इंडिया के खिलाफ मानहानि की धमकी दी है। 2015 में राहुल गांधी के खिलाफ भी मानहानि का केस हो गया। उन्होंने कहा था कि संघ ने गांधी की हत्या की थी, करवाई थी। राहुल गांधी के खिलाफ असम के बारपेट कोर्ट में भी मानहानि का मुकदमा चल रहा है। 2017 में ही मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। 2014 में जब कांग्रेस में थे अवतार सिंह भडाना, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। चेतन भगत के खिलाफ भी मानहानि का केस हो गया था और डुमरावगंज कोठी जो भी होंगे। कर्नाटक के कांग्रेसी मंत्री रोशन बेग ने बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ क्या है, युवा वकील हैं और अपने ट्वीट के जरिए बहुत सारे कानूनी खबरों की जानकारी हम लोगों को देते रहते हैं। फैजान साहब, सरल सवाल से शुरू करते हैं, ये मानहानि क्या है और अगर आप जज होते तो कैसे तौल के बता देते कि मेरी मानहानि कितने की हुई या और साधारण आदमी की मानहानि कितने की हुई? रवीश, ये मानहानि कई सदियों पुराना एक लॉ है जिसमें व्यक्ति की रेपुटेशन जो है उसको उसकी प्रॉपर्टी माना गया और ये माना गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ लिखता है या बोलता है या कोई ऐसे जेस्चर्स करता है जिससे उस व्यक्ति का और लोगों की दृष्टि में कुछ कमी आ जाती है उसकी रेपुटेशन में या उसके स्टेटस में तो फिर उसको उसके लिए कंपनसेट किया जाए। अच्छा, अब इसमें इंग्लैंड में 2 तरीके की चीजें थी कि अगर आपने ओरल किया है तो उसको स्लेंडर कहते थे और अगर कहीं लिख दिया आपने परमानेंट डिफेमेशन कर दिया तो उसे लाइबल कहते थे। भारत ने ये डिस्टिंक्शन नहीं माना और हमारे यहां दोनों तरह के जो लाइबल और स्लेंडर हैं उन्हें डिफेमेशन कहा गया।
अब इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन आम तौर से जो जजेस हैं वो ये देखते हैं कि आपका समाज में स्टेटस क्या है। अब आप देखिए कि जस्टिस पीबी सावंत ने टाइम्स नाउ के ऊपर एक केस किया जिसमें कोई स्कैम की न्यूज थी, उसमें उनका फोटो दिखा दिया और 100 करोड़ उन्होंने डिफेमेशन में जीते। और उसके बाद जब टाइम्स नाउ अपील में गए तो उनसे कहा गया कि पहले 20 करोड़ जमा करो, उसके बाद बात बनेगी आगे। तो ये डिफेमेशन का लॉ जो है पुराना है, लेकिन अब हमारे देश में 1950 से जब संविधान आ गया और संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, तो काफी जो संविधानविद हैं उनका विचार है कि किसी की मानहानि हो ये एक प्राइवेट मैटर है, इसके लिए क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल करना सही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट मैटर को प्राइवेटली डिसाइड करें, सिविल लॉ में डिसाइड करें, वो कंपनसेशन ले लेगा, मुआवजा ले लेगा, लेकिन ये के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें सिर्फ उसी मैटर को देखा जाए जिससे पूरे समाज को हानि होती है, तो चंद व्यक्तियों की जी आप जो रेपुटेशन है चंद व्यक्तियों की रेपुटेशन को पब्लिक लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए उसकी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बात आप क्यों कह रहे हैं ये भी बताइए। अभी आपने शुरू में कहा कि व्यक्ति को की जो रेपुटेशन है उसकी प्रतिष्ठा को प्रॉपर्टी माना गया है ना, तो उसकी रजिस्ट्री भी होनी चाहिए। हाँ, कोई तो जज कैसे जानता है कि तो आपकी या हमारी, वो क्या सबूत दिया जाता है, आपकी या हमारी क्या रेपुटेशन है, क्या कमाई रेपुटेशन है, वो किस तरह से उसका रेपुटेशन तय होता है? क्योंकि हो सकता है कि कोई अभिनेता हो, वो 100 करोड़ का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, उसे नहीं मिल रहा, तो वहां तो हम नुकसान शायद माप सकते हैं, लेकिन एक साधारण आदमी है जिसको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उसको बदनाम कर दिया गया, उसकी मानहानि हम कैसे मापेंगे फिर? नहीं, वो सबसे पहले वो अपने आप खुद तय करता है। जैसे जेटली जी ने यह तय किया कि केजरीवाल साहब से वो 10 करोड़ का केस कर दिया उनके ऊपर, तो अब जो है वो अदालत ये देखेगी कि जेटली जी इतने बड़े लॉयर हैं, देश के वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने जो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, अभी जेठमलानी जी ने उनको क्रूक कह दिया तो उसके बाद 10 करोड़ का और कर दिया, तो हो सकता है उनको 10-12 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ का कुछ कोर्ट तय कर दे, क्योंकि जेठमलानी जी ये आर्गू कर रहे हैं कि इनकी कोई रेपुटेशन नहीं है। तो अच्छा, ये अदालत का एक सब्जेक्टिव जजमेंट होगा, ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के आपका समाज में क्या स्थान है। पर सिद्धार्थ, तो रवीश, आप अगर डिफेमेशन का केस करेंगे तो आपको ज्यादा डैमेजेस मिलेंगे और मैं करूंगा तो मुझे कम मिलेंगे। हाँ, बहुतों ने अफवाह फैलाई हुई है, उनका रिकॉर्ड मैं तैयार रखता हूं। गौतम है हमारे साथ। गौतम, मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं, पर क्या ये एक पॉलिटिकल टूल ज्यादा बन गया है कि आजकल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? हो सकता है कि हम पिछले 10 सालों के बारे में ना जानते हो, लेकिन अभी जितना मैंने कलेक्ट मानहानि का केस किया, तो केरल के मुख्यमंत्री ने भी सोलर स्कैम के मुख्य आरोपी और 4 पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का केस किया है। स्मृति ईरानी ने संजय निरुपम के खिलाफ, अजीत जोगी ने बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मानहानि, राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ मानहानि, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ मानहानि का केस किया हुआ है। जयललिता जब मुख्यमंत्री थी तो पत्रकार, नौकरशाह, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ 200 से ज्यादा मानहानि के मुकदमे किए थे। हमने ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट से उठाई है, इसलिए नहीं बता सकते कि किस केस की अंतिम स्थिति है या मौजूदा स्थिति है या किसी ने वापस ले लिए हैं। अब तो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए नाना प्रकार के विरोधियों के खिलाफ अफवाहों का अभियान चलाया जाता है, उनका मान मर्दन होता है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो बदनाम करना, मानहानि करना एक राजनीतिक रणनीति भी है। इस काम को ट्रोल अंजाम देते हैं और अब कई खुलासों से यह पता चलता है कि ट्रोल को पैसा भी मिलता है। तो अगर आप फ्री में कर रहे हैं तो पैसा ले लीजिए। altnews.in पर ऐसे कई खुलासे मिलेंगे आपको। यह वेबसाइट है कि किस तरह से राजनीतिक निष्ठा और संगठन के आर्थिक समर्थन के दम पर कई वेबसाइट बनाए गए हैं जो खबरों के साथ साथ किसी को बदनाम करने के लिए आलतू फालतू अफवाह फैलाते रहते हैं। व्हाट्सएप की दुनिया तो इसके लिए बदनाम है ही, आपको नहीं पता होगा, मगर राजनीतिक दलों के लोग व्हाट्सएप के जरिए तरह तरह की बातें फैला रहे हैं जिन्हें आप सत्य मान लेते हैं और कई बार भीड़ बन जाते हैं और कई बार जान भी लेने चले जाते हैं कई जगहों पर। इसलिए मानहानि का केस करना अगर एक तरीका है तो मानहानि करने के लिए भी कई तरीके हैं आपके समाज में। मुख्यधारा की मीडिया भी यह काम जोर शोर से कर रहा है सरकारों को खुश करने के लिए।
मानहानि का मुकदमा दो प्रकार का होता है, फौजदारी दीवानी। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ जो है वो संवैधानिक है। तब राहुल गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी, अरविंद केजरीवाल अलग अलग याचिका लेकर गए थे कि इसकी संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए। हम आज के कार्यक्रम में समझने का प्रयास करेंगे कि मानहानि का केस फालतू का मुकदमा है या ऐसे कानून ना हो तो कोई किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा सकता है, कुछ भी उसकी मानहानि कर सकता है। यह प्रवृत्ति कैसे रुकेगी? क्या मानहानि के केस या कानून से रुक जाएगी? क्या मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश है? आप किसी को इसके जरिए डरा सकते हैं? दो तरह की मानहानियां क्यों हैं? तीन तरह की क्यों नहीं है? क्या इसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है मानहानि तोलने के लिए? तो वगैरह वगैरह हम इससे बात करेंगे। फैजान मुस्तफा साहब हैं, वीसी नलसर हैदराबाद से ही हमारे साथ हैं। गौतम भाटी